छोटे यूट्यूबर्स के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे की सुबह है, आज एकदम नया दिन है मेरे लिए, ऑफिस में नए टीम में फर्स्ट डे, और आज ट्यूसडे है तो मैंने सोचा है कि आज वॉक से आते आते मैं लगड़ू शेठ की रूट से आऊँगी एंड वहाँ पे दर्शन लूँगी। बाहर से ही दर्शन लेने के लिए अलाउड है तो एटलीस्ट वो ही सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन, देखते हैं आज क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होती हैं। लेट्स गो। 7:30 हो गए हैं, आज पुणे में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत अच्छा वेदर है। मेरा अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वॉकिंग हो गया, अब और थोड़ा डिस्टेंस बाकी। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अब जंगली महाराज रोड पे हूँ, आई थिंक अनदर 10 मिनट्स के बाद घर पे, तो वहाँ से मैं बाइक लेकर दगड़ू शेठ जाऊँगी। उस तरफ मैं वॉक पे नहीं गई क्योंकि बारिश बहुत है और वहाँ पे रास्ता ख़राब है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो अब मैं फटाफट घर पहुँच के फिर जाऊँगी दगड़ू शेठ। फाइनली यहाँ मैं दगड़ू शेठ पहुँच गई हूँ, आज ट्यूसडे है। हेलो, आज क्या है स्पेशल? OMG, आज अनन्या के डे केयर में सेलिब्रेशन है तो वो राधा बन रही है तो उसको फुल रेडी जी सी। तब इसका आज डे केयर में सेलिब्रेशन। वाओ चिकू, हाउ आर यू फीलिंग? शो ना इकडे बघ ना। ओ बैंगल्स, प्रिटी गर्ल, गुड जॉब अक्षिता, तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो किए। हमारे पेट में खुजली होने को मजा आ रहा है। गर्ल इज रेडी। ओ परत 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 कर, परत कर, परत गोल गोल कर। शर्मा पता हमारा मन पे तशपा। वाओ वाओ, बस बस, यू वांट टू से समथिंग? बोला मी पन मी राधा है, मैं राधा हूं, पन मैं राधा हूं। ये तो प्रीति हुंदी आ निन्ना। हेलो, गुड आफ्टरनून। अब लंच टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं और विराज खाना खा रहे हैं। अनन्या तो पूरी ड्रेसअप होके डे केयर गई है आज, फेस्टिव सेलिब्रेशन। आज लंच में है पालक और आलू की सब्जी, ये है मसूर की, मसूर दाल जो होता है उसका करी है, और ये मिर्ची है, सेवियर फॉर वेजिटेरियन फूड, और एक रोटी। और विराज भी आज वही खा रहे हैं, आज कोई स्वीट नहीं खा रहे हम, कल खा लिया काफ़ी, जन्माष्टमी में काफ़ी था तो वो कल का रात का बचा हुआ है तो वो थोड़े देर में या रात को खा लेंगे। तो अब लंच करेंगे। आज काम का लोड काफ़ी कम है, आज काम का लोड ही नहीं है बिकॉज मैंने न्यू टीम ज्वाइन किया तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। विराज को देखा नहीं जा रहा है कि मैं कम काम कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कम काम कर रही हूँ इसलिए नहीं, पर कुछ मतलब बस रोज ऐसा मेरे को देख के, ऐसा मेरा शक्ल देख के विराज को ऐसे एकदम स्ट्रेस आता था कि विराज अगर कुछ भी बोलते थे नॉट वर्क रिलेटेड या कुछ भी ऐसा रैंडम कुछ, अरे ये देखा वो कुछ करते, तो मैं इसे बहुत गुस्सा करती थी कि लाइक काम का वक्त है सो डोंट डू दैट, डोंट टॉक अबाउट इट। आज मैं एकदम ऐसे शांति से, मतलब आज मैंने बीच में थोड़ा सा ऐसा ब्रेक लिया, थोड़ा उठ के मैं ऐसे कुछ पुराने व्लॉग्स देखने थे वो देखे। सो होता क्या था ऐसा नहीं कि आज अक्षिता काम नहीं कर रही, काम तो कर ही रही है, बट होता ऐसा था ना कि पहले जब अक्षिता काम करने को बैठती थी तो उसका ऐसा एकदम दिन भर एकदम ऐसा वो ऐसा अंदर घुस जाती थी, और फिर मतलब ऐसा अंदर घुस गई ना
तो मतलब वो लिटरली कभी कई बार ऐसा होता था ना, ब्लिंक भी नहीं करती थी। और आज अक्षता ऐसा मतलब काम करते टाइम इधर देख रही है, उधर देख रही है। मतलब पहले ऐसा था कि उसका मोबाइल जो था वो एयरप्लेन मोड पे डाल के रखेगी, नहीं तो फोकस मोड चालू करेगी। तो आजकल अभी आज तो वो भी नहीं, व्हाट्सएप मैसेज आया, खोल के पढ़ रही है, जो कहा है मुझे जोक सुना रही है। पहले ऐसा होता था कि अगर मैं जोक सुन तो जोक सुनाने जाऊँ तो ऐसा उसको आई एम बिजी। आज टीम चेंज किया है, 4.5 साल बाद कुछ नया मैं कर रही हूँ, तो जब भी ट्रांजिशन होता है तो थोड़ा पहले दिन तो डेफिनेटली कुछ ऐसे फोकस्ड काम करने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारा रीडिंग है और कॉन्स्टेंट इतना रीडिंग के लिए कितना पड़ेगा इंसान। मतलब सुबह से मैं 10 बजे से लॉग्ड इन हूँ, तो बीच में थोड़ा सा उधर उधर मैं अब दे सकती हूँ अपना कॉन्सेंट्रेशन। और ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि एक बार फुल फ्लेश काम शुरू होगा तो डेफिनेटली मुझे टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। क्योंकि इस रोल में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉल्स पे रहने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क है, तो उस वजह से शायद थोड़ा पैटर्न ऑफ वर्क अलग रहेगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं सब चीज़ के लिए इक्वली टाइम दे पाऊँ इज मोर इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। टिल देन अब खाना खाने का मेन एजेंडा है, अब खाना खाएंगे उसके बाद वापस काम पे लगेंगे। अनन्या फिर शाम को आएगी और उसके बाद तो आज तो भर भर के होमवर्क मिला है, आज ट्यूसडे है तो वो ख़त्म करना है उसके साथ। फिर चलिए देखते हैं किस चीज़ की पार्टी, न्यू जॉब लगनी है। पार्टी जब न्यू जॉब मिला था वो सुना था तब से कुछ वड़ा पाव कुछ नहीं चाहिए। मेरा वजन 3 किलो कम हो गया। अच्छा हो गया, गुड न्यूज़। वर्कआउट करने का तो कोई निशाना नहीं है, कल नहीं किया, आज नहीं किया, इतना बड़ा मशीन लाके रखा है। मैं तो वॉक पे तो जाती हूँ एटलीस्ट, और एटलीस्ट शाम को तो मशीन लाके मैं शाम को कर सकती हूँ। मशीन लाके रखा है तुमको जबरदस्ती बारिश में बाहर जाने को किसने बोला? फिर बीमार गिरोगी तो कौन क्या देखेगा? मैं कोई बीमार नहीं गिरी, मैं कल नहीं गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आज मैं जाके आई, मुझे डब्ल्यू शेट जाना था, सब करके आई हूँ। और मैं अभी तो शाम को भी वर्कआउट कर सकती हूँ। ऊपर What about me? मतलब मैं भी ऐसे ही लेने के टाइम पे एंटू फिर फुस। इसलिए मैं तुम्हें वो नया फिटनेस वॉच लेने नहीं दे रहा। मैं नहीं ले रही हूँ अभी। हाँ। जब तक ये वॉच का बैटरी नहीं जाता तब तक आई एम गोइंग टू यूज इट एंड आई विल सेव मनी टिल नेक्स्ट बर्थडे। फर्स्ट टाइम अक्षता को वीकडे पे ऑफिस आवर्स में बिल्कुल मतलब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में काम कर रही है, इतना रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में कि उसके पहले वाली टीम है वो हमेशा अर्जेंट ही काम रहता था, कोई रिलैक्स काम नहीं था। और आज वो बैठ के काम कर रही है एकदम रिलैक्स में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? आवाज़ नहीं आ रहा पीछे, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा मोरवेल खुद रहा है पीछे, आवाज़ नहीं आ रहा। मेरा कोई नहीं है, अच्छा लग रहा है। अक्षता ने पीछे की प्रॉपर्टी खरीद ली हमारे इधर की, और वहाँ पे वो कुआं बना रही है अपने लिए ताकि हमें पानी का प्रॉब्लम ना हो। हम पीएमसी लिमिट्स में रहते हैं, हमें पानी का कभी प्रॉब्लम नहीं होता तकचूर अब तक। तो क्यों मैं उधर जगह लेके सिर्फ एक बोरवेल डिक करने बोलूँगी? इतना पैसा नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा जगह लूँ मेन पुणे सिटी में, इतना पैसा होता तो काम थोड़ी करती मैं। तो जो अमीर लोग रहते हैं वो काम नहीं करते? इतना सारा होता तो मैं तो डेवलप करके उसको रेंट करके सिर्फ यूट्यूब चैनल एंजॉय करती, एक ही काम करती, ब्लॉग्स करने का। ठीक है जाओ मेरी बेटी को लेके आओ। लेके आती हूँ, ठीक है। ऐसे चुपचाप जाके कल के ऐसा लेके आओगी? नहीं आज नहीं, मेरी बेटी के साथ रेस नहीं चाहिए। यहाँ पे सामने के अंदर टेरेस पे कुछ बच्चे को शूट कर रहे हैं, तो मैं उनको कब से पूछ रहा हूँ कोलैबोरेशन करोगे क्या, कोलैबोरेशन करोगे क्या, क्या अक्षय कुछ जवाब ही नहीं देते हैं लोग। हाँ क्या है यार, अच्छे से हम पूछ रहे हैं। मैं अभी फिर से एक बार पूछता हूँ, गाइस डू यू वांट टू द कोलैबोरेशन? क्या मना कर रहे हैं क्या अक्षय? कोई नहीं करना चाहता, छोटे यूट्यूबर्स के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करना। तो इसलिए गाइज आप हमें थोड़ा सा बड़ा कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखो लड़कियाँ हमारे साथ कोलैब भी नहीं करती कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हमारे कम है, तो क्या अक्षु? और वो भी बाजू के एरिया में तो वो कोई पॉपुलर भी नहीं है। हम एक बार फिर से पूछ ले क्या हमें? हाँ तुम पूछ के देखो। गाइज हेलो हाय, कोलैब कोलैब फ्री फ्री, नो मनी, नो मनी एट, नो आंसर। वो मतलब ना भी नहीं बोल रहे, हमको डिमांड ही नहीं दे रहे, तो प्लीज गाइज वो हम लगता है हम हमारे सब्सक्राइबर्स कम है ना,
तो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब ताकि कोई तो आए हमारे साथ, बट नो मनी विल बी पेड। कुछ दिन पहले एक बहुत ही मेरे फेवरेट यूट्यूबर है अक्षता शेट्टी, उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसकी लिंक आपको ऊपर दिख जाएगी, बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं उसी बच्चे से कि पढ़ाई कैसे चल रही है। चिकू पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मेरी पढ़ाई ये चल रही है। ये क्या चल रही है? पेपर। मम्मा डांट रही है तुमको? हाँ डांट रही है। क्यों डांट रही है मम्मा तुमको? स्कूल के उसको। हाँ? हाँ, वो स्कूल के उसको भी उसका। अक्षु क्या बोल रहा है बच्चा? वो स्कूल का बुक में शी वांट्स टू डू ड्राइंग, इधर एक तो इसमें से निकल निकल के एंड ड्राइंग एंड कलरिंग ऑल दिस। सी नहीं, बट तुमने क्या वीडियो बनाई थी बच्चों को कैसे पढ़ाते? कौन सा वाला तुमने वीडियो बनाई थी बच्चों को? तो फॉर वो यू एवरीडे यू शुड। ये देखो इधर इधर लिंक है उसकी, देखो ऊपर लिंक है अक्षु। वो मस्ती करके पढ़ाई नहीं होती, यू हैव टू टीच। ये देखो मेरा नया। क्या है ये नया? नया मेरा वो फ्रेंड ने दिया। ये मेरा है? नहीं वो मेरा है। चिकू क्या बोलते लॉयन की लायन? बराबर, गुड जॉब दादा। लायन लॉयन बोलायचं नाही, लायन लायन लायन। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अनन्या बहुत एकदम अच्छा ड्रेस्ड होके गई, उसने बहुत एंजॉय किया डे केयर में। और मेरा ऑफिस का आज पहला दिन बहुत ही आराम था क्योंकि ज़्यादा कुछ काम ही नहीं था। एक्चुअली कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ने का होता है। अब तो फिलहाल जॉइनिंग होने के बाद थोड़े दिन तो ऐसे ही चलेगा, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है नया काम के रिलेटेड। इस तरह से आज का दिन होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और हमारे सारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड, कल मिलेंगे एंड गुड नाइट, बाय।